ये इंटरव्यू में ले अरे इंटरव्यू में कर लो ना एक बाइक आवाज ही नहीं आ रहा मॉनिटर में दिस इज मैजिबिन सुपारी वाला लोकल रेजिडेंट्स में से ही है हम शी इज सुचिता शबीर और जावेद अब्बास साहब जावेद जैदी हम तीनों मिलके और प्लस यहाँ के कोटेवाड़ी के लोग मिलके यहाँ से डेलीगेट बना के गए थे अजय सर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एंड वी बीन टू कलेक्टर्स ऑफिस और वहाँ पे हमने एक लेटर सबमिट किया जो एक अपील है टू द डिपार्टमेंट के वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करें और इट हैज़ बीन कंसिडर्ड कई मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि भाई उन्होंने बोला कि हम इसको कंसिडर करेंगे और आगे का जो भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा तो वी विल बी डेफिनेटली फॉलोइंग अप इस चीज़ को लेके हम लोग फॉलो अप करेंगे आगे भी कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा इट इज़ नॉट ओनली दैट कि ये यहीं पे ये सिर्फ पब्लिक जमा हो रही है उतने हद तक के नहीं रुका है दो आज का आखिरी दिन है ज़रूर क्योंकि सारे लोग जितने लोग जमा हो रहे हैं सभी के अपनी अपनी लाइव्स हैं दे के नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम बट डेफिनेटली ये मूवमेंट तो चलती रहेगी टिल द टाइम इनको जस्टिस ना मिले हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये आखिर तक जाए आगे तक जाए बात कितने घर कितने 50-60 लोग फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई मतलब उनके घर तोड़े गए और तकरीबन 150 लोग रास्ते पे हैं जिनमें बहुत छोटे बच्चे हैं महिलाएं हमारा यही रिक्वेस्ट रही टू द डिपार्टमेंट कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं लेकिन यहाँ तो बेटियाँ और औरतों को रास्ते पर फेंक दिया गया है महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं देखी जा रही इनके शेल्टर के लिए बात हो रही है या इनको टेम्पररी शेल्टर या जो कुछ भी प्रशासन कर सके हमारा हमारी मांग सिर्फ उतनी है कि प्रशासन इस तरीके से इनह्यूमन तरीके से कोई काम ना करे इनके साथ में जो हुआ है खाली वही एक हमारा ग्राउंड रहा हम फॉरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है हम मैनग्रोव्स के अगेंस्ट नहीं है कुछ नहीं है ऐसे हमारा कोई दावा या मुद्दा ये नहीं है कि इनको वापस उधर ही जाने दिया जाए ओनली थिंग इज़ दैट कि ये इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कंसिडर करना चाहिए था स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इनको जो दिया गया था उसको कंसिडर नहीं किया गया बहुत सारी तकलीफें ये लोग जो फेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली उन तमाम चीज़ों को कंसिडर करने की ही अपील थी आज जो हम लोग सारे लोग मिल के गए थे जी सर विल बी द बेटर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ ये पल अजय कॉल जो हमेशा इंसानियत के लिए और मनुष्यता के लिए काम करते आए हैं उनकी आवाज़ पर आज हम सब जमा हुए हैं हम मैनग्रोव्स के या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हम उनके खिलाफ नहीं हैं लेकिन जो जिस तरह से बगैर नोटिस के एक रात में इनको यहाँ से उजाड़ दिया गया है इसमें 3 महीने का बच्चा भी है 6 महीने का बच्चा भी है सर्दियों की रात है कोई शेल्टर नहीं है मॉस्किटोज़ हैं डेंगू फैल सकता है मलेरिया फैल सकता है दूसरी बीमारियाँ लग सकती हैं सैनिटेशन का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है कुछ नहीं है उस सिलसिले में आज मैं और सुचिता पूनावाला और हमारी बहन मैजबीन सुपारी वाला कुछ और लोगों के साथ हम गए थे वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमको जो अपॉइंटमेंट भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अजय कॉल की वजह से वहाँ अपॉइंटमेंट भी मिला और बहुत अच्छी तरह से कलेक्टर ने हमसे बात की है और आधार कार्ड है दूसरी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है सब कुछ है और इनको इस तरह से यहाँ से हम ये नहीं कहते कि आप यहीं बसाइए इनको कोई ना कोई तो जगह दीजिए ये भी हमारे शहरी हैं हमारे मुल्क के रहने वाले हैं हमारे देश के रहने वाले हैं इनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए We are just asking for the right to education and living. आज सबसे पहले तो यहाँ के रहवासी कोर्ट में गए थे हाई कोर्ट में आज उनकी अपील एक्सेप्ट हुई है और कल उनकी हियरिंग है कल सुबह तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन भी है और दूसरा ऐसा है कि यहाँ के लोकल MLA डॉक्टर भारती लवेकर उन्होंने मुझसे बात की वो खुद भी इनके साथ कलेक्टर ऑफिस में थी उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं MMRDA में कलेक्टर में और म्यूनसिपल कमिश्नर को खुद मिली हैं कि इनको शेल्टर होम या ट्रांजिट कैंप दिया जाए इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और सेकेंडली एजुकेशन मिनिस्टर जो यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर भी है उनको मिलकर के जो 10वीं 12वीं के बच्चों का लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ वो उनकी मदद करे ऐसे सारे एप्लीकेशंस और सारी भेंट उन्होंने खुद पर्सनली ली है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा और अगर नहीं निकला तो फिर 8 या 10 दिन के बाद फिर हम लोग अपना एजिटेशन शुरू रखेंगे लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि हमें आश्वासन मिला है सभी बड़े अधिकारियों से तो हमें उनको कुछ वक्त देना चाहिए कि वो अब उसको इम्प्लीमेंट कर सके आप
आपके छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ के लोगों के चेहरे पे एक थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जी मैं सुचिता शब्बीर यारी रोड कलाविहार वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ और हम लगातार पिछले 10 दिनों के से अजय सर के साथ यहाँ पे है और हम देख रहे थे कि सारे बच्चे सारी लेडीज रास्ते पे थी और उसके लिए काफ़ी हमने कोशिश की, लेकिन आज जो हम कलेक्टर के पास गए और हमें जो रिजल्ट मिला और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए ज़रूर करेंगे, शेल्टर होंगी इमिजिएटली, अगर मतलब उनको अगर मिलता है तो उसको प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वो प्रोवाइड करेंगे। और ये जब हमने इनको कहा और उनको जो खुशी देखी तो उसी खुशी में हमें ये 10 दिनों की मेहनत काम आई ऐसा लगा। और जैसे अजय सर ने कहा कि ये लड़कियां बचाने के लिए, ये महिला बचाने के लिए, अगर फिर यहाँ कुछ अगर वो नहीं देते हैं अगले 8-10 दिन में तो हम फिर यहाँ आएंगे, हम यारी रोड रेसिडेंस पूरे सोसाइटी वाले इनके सपोर्ट में फिर से यहाँ आएंगे। आज उनकी मदद से हम लोगों को सबको बहुत बड़ा एक हिम्मत मिला है, क्योंकि सर ने हम लोगों को कलेक्टर में मीटिंग कराकर जब भेजे तो वहाँ से जो रिजल्ट मिला है हम लोगों को बहुत बड़ी मदद हुई है सर के तरफ से, क्योंकि MLA भी वहाँ पे आए थे और उन्होंने भी हम लोगों को बोला है कि हम लोग 8 दिन में आप लोगों को सुविधा करके देंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ सर के वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत और बहुत मदद की हम लोगों के, बाथरूम का हो गया, खाने का हो गया, सब चीज़ों का, कंबल ब्लैंकेट वगैरह, हमारे बच्चों की फ़ीस का। तो हम लोग सही दिल से सर का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि सर ने हमारे ऐसे वक्त में हम लोगों को हमारे साथ दिया हम लोगों को, और हम आपका धन्यवाद करते हैं सर, थैंक यू। मेहरू निशान सारी